हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें पूछा गया कि सो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स का मॉडुलस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, तो इस फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करना, शो करना। तो पहले फंक्शन लिखते हैं बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे 31 की तरह का ये समझते हैं। आगे फंक्शन है हमारा मॉडुलस कॉस एक्स मॉड क्लोज, ठीक है, ये फंक्शन गिवन है। बट ये फंक्शन क्या है, दो फंक्शनों का कंपोजिशन, तो उन फंक्शनों को कैसे लिखते हैं, तो एक तो कॉस एक्स है बेटा इसमें, है ना, इस कॉस एक्स को एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं इधर, तो डिफाइन जी एक्स इक्वल कॉस एक्स, और कॉस एक्स जब हटाऊंगा तो वहां पे क्या छोड़ जाऊंगा मैं, एक्स, कॉस एक्स जगह क्या छोड़ाऊंगा बेटा, एक्स। तो एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करेंगे एच एक्स इक्वल मॉड कॉस की जगह एक्स लिख देंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा मॉडुलस फंक्शन। एक है कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसके आगे लिख देंगे ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये क्या हमारा मॉडुलस फंक्शन। तो यहां तक समझ में आए, अब इन दोनों का कंपोजिशन सॉल्व करते हैं। तो कंपोजिशन एफ एक्स कैसे आएगा कि कॉस एक्स को मुझे इस एक्स जगह रखना है, ठीक, जिसको रखना है उसको एक्स जगह यहां रखना है ना, जी एक्स को मैं क्या रख दूंगा यहां पे, तो यहां सॉल्व करा जाएगा एच ओ जी एक्स, तो ये क्या बन जाता है, आपको बताया कि ओ की जगह ब्रैकेट लगा देंगे, ये बन जाएगा एच जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू रख देंगे, जी एक्स वैल्यू क्या बेटा, कॉस एक्स। अब कॉस जो कॉस एक्स रखा है वो कहां रखा है, इसमें एच में एक्स जगह, तो यहां पर रख दूंगा इसको, तो ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस फंक्शन ऑफ कॉस एक्स, ठीक, और ये हमारा क्या है एफ एक्स। तो ये एफ एक्स जो फंक्शन है वो एच और जे का कंपोजिशन है। अब यहां पर टू पॉइंट्स लिख देंगे हम, क्या, पहला पॉइंट वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक एंड मॉडुलस फंक्शन आर कंटिन्यूस, ठीक है बेटा, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट है कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज ऑल्सो कंटिन्यूस, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन लिखना है ना, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शंस इज ऑल्सो कंटिन्यूस। ये हम दोनों पॉइंटों को जानते हैं, ये थ्योरम है हमारे एनसीईआरटी में, है ना, और ये आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और पॉलीनोमियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सिक्स टाइप हुए हमारे। तो ये सारे फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ठीक, और हमने बहुत सारे एस्पेक्ट बेस्ड क्वेश्चन किए हैं और उनको देखा है ना, और ये थ्योरम भी है आपकी एनसीईआरटी में, तो उन दोनों को यूज करके ये सिंपलेस्ट मेथड है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक। तो यहां से आगे लिखा जाएगा बेटा, क्या लिखा जाएगा कि यहां से दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है और इनका कंपोजिशन एफ एक्स है, इसलिए एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, इंप्लाइज कर देगा एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस, ठीक। तो ये यहां तक समझ में आया होगा, और इसी तरह से आगे कंपोजिशन फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है उसको इस तरह से आपको अच्छे से सॉल्व कर देगा, ठीक है बेटा।